बिहार से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्यूल स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन बर्निंग ट्रेन बन गई। दरअसल क्यूल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ईएमयू गाड़ी में अचानक भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के आधार पर एआरटी भान को झाझा स्टेशन से क्यूल के लिए रवाना किया गया। इधर सूचना मिलने के बाद रेलवे के कई वरीय अधिकारियों के मौके पर पहुंचने की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 1-3-0-2-8 डाउन पटना जसीडी मेमू ट्रेन क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जैसे ही आकर रुकी तो ट्रेन के इंजन से 6-7 बोगी के बाद अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देखकर ट्रेन में हो हल्ला होने लगा। इसके बाद कोच में सवार सभी यात्री के बीच भगदड़ मच गई। हालांकि तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ एवं यातायात निरीक्षक वहां पहुंचकर अपनी टीम के साथ ट्रेन में लगी आग को बुझाने में लग गए। घंटों मशक्कत के बाद ट्रेन में लगी आग को बुझाने में रेल प्रशासन सफल हुआ। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में ब्रेक पॉइंट से धुआं उठने की संभावना बताई जा रही है। धुआं कम होने पर ही अगलगी की घटना का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। नेशन न्यूज के लिए पटना से कुमार हर्ष की ब्यूरो रिपोर्ट।